मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी का स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 के हिंदी काव्य के अंतर्गत एक नई कविता जिसका नाम है बापू के प्रति। ये सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है, जो उनके काव्य कृति युगान से ली हुई है। इसमें कवि ने बापू की स्तुति की है और बताया है कि कैसे बापू का स्वतंत्रता, देश को स्वतंत्रता दिलाने में योगदान रहा और किस प्रकार से बापू के आदर्शों पर देश का नव निर्माण हो सकेगा, इस पर भी प्रकाश डाला है। तो देखते हैं कविता में है क्या। सीधा कविता पर आते हैं हम। कवि स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। कि कभी कहते हैं, तुम मांसहीन, हे गांधी जी आप मांसहीन है, आप रक्तहीन है, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, कि मात्र आप अस्थि भर आप में शेष हैं, आप ऐसे हैं, आप मात्र अस्थि हैं, और फिर अस्थि भी हीन है, अस्थियां भी नहीं, कि तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, कि आप मात्र शुद्ध बुद्ध आत्मा है, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, कि आप बहुत प्राचीन है, आप बहुत नवीन है, अर्थात आप में प्राचीन और नवीन दोनों सिद्धांतों का समन्वय है। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, कि आप जीवन की पूर्ण इकाई है, जिसमें ये असार, ये निस्सार जो संसार है, बिना सार का भाव अर्थात संसार आप में लीन हो गया है। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन, कि आपके आदर्शों पर, कि आपके आदर्शों की, यानी सत्य और अहिंसा रूपी जो आपने आदर्श दिए, इन इस आदर्श रूपी आधार पर आने वाली संस्कृति प्रतिष्ठित होगी अर्थात समासीन होगी। तुम मांस तुम्ही हो, रक्त अस्थि निर्मित, जिससे नव युग का तन, कि नए युग का अर्थात स्वतंत्रता के बाद जो नया युग आया है, इसके तन का आप ही मांस हो, आप ही रक्त हो, आप ही अस्थि हो, अर्थात जी आपके ही सिद्धांतों पर नई मानवता का जन्म हुआ है स्वतंत्रता के बाद। तुम धन्य, तुम्हारा निस्वार्थ है विश्व भोग का वरसाधन, कि आप धन्य है, आपका निस्वार्थ जो आपने देश, अपने सर्वस्व का जो त्याग किया है देश के लिए, वो भी धन्य है, जो विश्व भोग का वर साधन, कि जो विश्व के भोग का श्रेष्ठ साधन है, इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जग जीवन बीनेगा सत्य अहिंसा के तानो बानो से मानोपन। कि इस भस्म काम अर्थात अपने आपने आप भस्म काम है, आपने संपूर्ण अपनी कामनाओं को भस्म कर दिया, तो इसी कामना के भस्म किए हुए तन से जग पूर्ण काम, ये संसार पूर्ण काम बनेगा, और नव जग जीवन, जो नया जग और जीवन होगा, वो बीनेगा सत्य अहिंसा के तानो बानो से मानोपन। कि इस पूर्ण काम अर्थात ये संसार पूर्ण काम बनेगा, पूर्ण कामनाओं से युक्त, अर्थात ऐसी कामनाओं से युक्त कि जहां किसी चीज की कमी नहीं होगी, और एक नया जग और जीवन होगा जो सत्य और अहिंसा रूपी के ताने बानों से, जिस पर मानवता निर्मित होगी। कभी कहते हैं कि आपके जो सिद्धांत हैं, इन्हीं ताने बानों की योग से सुंदर वस्त्र तैयार होंगे, और उसी प्रकार आपके द्वारा जो निर्धारित सत्य और अहिंसा रूपी ताने बाने हैं, उस पर मानव जीवन की सुख और समृद्धि निर्भर होगी। आगे देखते हैं। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। कि इस संसार में सब सुख भोग करने आते हैं, खोजने आते हैं, और आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनुज। किस संसार में सब सुख खोजने आते हैं, सुख और भोगों को खोजने आते हैं, लेकिन आप सत्य खोजने के लिए आए। जग की मिट्टी के पुतले जन, इस संसार की मिट्टी के पुतले हैं यहाँ रहने वाले सब लोग, तुम आत्मा के मन के मनुज। कि तुम आत्मा के मन के मनुज अर्थात तुम आत्मा रूपी आनंद और जो मन रूपी जो कमल है, अर्थात मन को प्रसन्न, मन के मनोज अर्थात कमल,
कि आपके शरीर में जो आत्मा निवास करती है, आप वो आत्मा हो, वो आनंद देने वाली आत्मा हो, और आप मन की मनोज अर्थात मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान हो। कि संसार के लोग तो मिट्टी के पुतले हैं, लेकिन आप आत्मा हो, आत्मा की मन की मनोज, कि आत्मा का जो आनंदित करने वाला जो कमल है आप वो हो। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना अहिंसा नम्र ओज, कि आपने देश की जड़ता हिंसा और प्रतिद्वंदता में चेतना अर्थात ज्ञान अहिंसा और नम्र ओज प्रकाश भर दिया है, और पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का स्वरूप। और ये जो मनुष्य जो पशुता का पंकज बना दिया, जो मानवता थी, जो मनुष्य थी, पशु रूपी जो मनुष्य थे अर्थात अज्ञानी, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का स्वरूप, कि पशुता रूपी कमल को आपने मानवता रूपी, यानी मनुष्य जिस पशुता को ओढ़े हुए था, यानी जो समाज में जो वर्ग भेद जाति भेद हिंसा आदि फैली हुई थी, उस कीचड़ में जो पंकज था कमल था, आपने उसको मानवता रूपी सरोज फूल बना दिया। कि पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का स्वरूप, कि पशुता रूपी कमल को आपने मानवता रूपी फूल या कमल बना दिया। पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। कि आपने जो पशु बल अर्थात जो साम्राज्यवाद जिसमें संसार बंदी था, पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, कि जो पाश्विक संसार की पाश्विक शक्तियों से पशु बल से की कारा में जो संसार बंदी था, उसको आपने आत्मा की विमुक्ति अर्थात मोक्ष का रास्ता बताया। विद्वेष घृणा से लड़ने को दिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। विद्वेष अर्थात ईर्षा और द्वेष और घृणा से लड़ने को आपने जगत को दुर्जय अर्थात जिसको जीता ना जा सके ऐसी प्रेम रूपी युक्ति तरीका बताया आपने। वर श्रम प्रसूति से की प्रसाद की कृतार्थ, कि आपने वर श्रेष्ठ श्रम प्रसूति अर्थात श्रम के द्वारा उत्पन्न विचार से की कृतार्थ, तुमने विचार परिणीति युक्ति, कि आपने संसार के विचारों को परिणत कर दिया। कि आपके जो विचार थे वो मात्र कथन ही नहीं रहे, उनको आपने व्यवहारिक रूप में लाया, और आपने उन श्रेष्ठ विचारों के माध्यम से इस संसार के व्यवहार और कार्य को प्रभावित किया, कृतार्थ किया। विश्वानुरक्त हे अनाशक्त, ही विश्वानुरक्त, कि आपकी पूरी विश्व में रति है अर्थात प्रेम है, आप पूरे विश्व से प्रेम करने वाले हो, और आप अनाशक्त हो, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति, कि आप ने सर्वस्व त्याग कर मोक्ष प्राप्त करने वाले बने आप। उर के चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद, गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निनाद। उर के चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद, जो युग युगों का विषय रूपी जो मल था, जो विषाद था, जो वेदना थी, उसको आपने काट दिया। विषाद अर्थात दुख और वेदना को आपने काट दिया, गुंजित कर दिया गगन जग का, और इस संसार का जो आकाश है आपने गगन है वो गुंजायमान कर दिया अपने आत्मा के निनाद से, अपने आत्मा की ध्वनि से, अपने आत्मा रूपी आनंद से, आत्मा के आनंदमय संगीत से पूरे गगन को गुंजायमान कर दिया। रंग खद्दर के शूद्रों में सूत्रों में नव जीवन आशा इस प्रहलाद, मानवी जीवन मानवी कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रभात। कि आपने रंग खद्दर के सूत्रों में नव जीवन आशा इस प्रहलाद, कि आपने जो चरखे से काती गई जो सूत है उससे जो खद्दर है खादी है उसको रंगने के साथ ही आपने उसमें जीवन की नवीन आशा और उल्लास को भर दिया।
आपने मानवीय कला के आप सूत्रधार कहलाए, अर्थात आपने मानव के जीवन के लिए नवीन योग और एक नई कला का सूत्रपात किया, नए आदर्शों की स्थापना की। हर लिया यंत्र कौशल प्रभात, और जो यंत्रीकरण से जो यंत्र कौशल यानी यंत्रों की जो कुशलता है, यानी यंत्र कौशल प्रभात यानी यंत्रीकरण से जो संघर्ष उत्पन्न हुआ, प्रभाव उत्पन्न हुआ, उसको आपने अपनी आत्मा की ज्योति से प्रकाशवान कर दिया, उसको दूर कर दिया। यानी जितना यंत्रीकरण से जो संघर्ष उत्पन्न हुआ, जो दुख उत्पन्न हुआ, उसको दूर किया और इस संपूर्ण संसार को अपनी आत्मा की ज्योति से भर दिया। कि रंग रंग खत्तर के सूत्रों में नवजीवन आशा इस प्रहलाद, मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रभात। कि आपने यंत्र कौशल प्रभात को भी हर लिया, यानी यंत्रीकरण से उत्पन्न दुख को हर लिया, आप मानवीय कला के सूत्रधार कहलाए, आपने इस खद्दर में जो आपने चरखे से जो खद्दर जो सूत काटा, जो खद्दर का सूत काटा, सूत्र काटा काटा, उसमें आपने नया जीवन आशा इस प्रहलाद भर दिया। साम्राज्यवाद था कंस वंदनी मानवता, पशु बलाक्रांत श्रृंखला दासता, प्रहरी बहु निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, कारागृह में दे दिव्य जन्म मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना तुमने की नत पद प्रणत शांत। कि साम्राज्यवाद था कंस, कि ये साम्राज्यवाद था अर्थात अंग्रेजों का जो शासन था वो कंस का प्रतीक है, और वंदनी मानवता कि जो मानवता है वो वंदनी देवकी के रूप में है, और पशु बलाक्रांत श्रृंखला दास्ता कि जो मानवता जो श्रृंखला दास्ता कि जो दास्ता रूपी जो बेड़ियां हैं, जो पशु बलाक्रांत अर्थात पशु बल से आक्रांत भयभीत जो मानवता थी वो परतंत्रता रूपी बेड़ियों से जकड़ी हुई थी, वो दास बनी हुई थी मानवता। पहरी बहु निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, और जो शासन के जो अधिकारी थे जो अपनी शक्ति में भ्रांत थे, भटकते हुए थे, घमंडी थे, जो निर्मम ये अधिकारी थे जो अपनी शक्ति में भटके हुए थे, भ्रांत थे, वही प्रहरी का काम कर रहे थे, बहु प्रहरी, प्रहरी बहु बहुत सारे प्रहरी थे, और कारागृह में दे दिव्य जन्म कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण का कारागृह में जन्म हुआ था उसी प्रकार से आप कई बार जेल जाकर मान आपने भी देश के नए जन्म में सहायक बने, कारागृह में दे दिव्य जन्म मानव आत्मा को मुक्त कांत। कि इस प्रकार से आपने कई बार कारागृह में जाकर अर्थात कई बार जेल जाकर मानव जाति को मुक्त कराया, मुक्त किया, कांत किया अर्थात चमकदार किया, कांत अर्थात तेज से भर देना, मुक्त कांत। जन शोषण की बढ़ती यमुना तुमने की नत पद प्रणत शांत, कि जो जन रूपी अर्थात जो मानवों का जो शोषण हो रहा था, वो जो शोषण करने वाली जो यमुना बढ़ रही थी अर्थात जो यमुना है वो शोषण का प्रतीक है, जन शोषण की बढ़ती यमुना तुमने की नत पद प्रणत शांत, कि तुमने अपने नत पद प्रणत अर्थात पैरों को झुकाकर उसके स्पर्श से तुमने इस शोषण रूपी बढ़ती हुई यमुना को तुमने शांत किया। कि आपने कारागृह में दे दिव्य जन्म, कि आपने कई बार कारागृह में जाकर वहां जन्म लिया, अर्थात जन्म लेने का अर्थात है इस प्रकार श्री कृष्ण का जन्म हुआ था वैसे तुमने भी देश के कल्याण के अनेक बार जेल आप गए और आपने देश को मुक्त कराया, और जो शोषण रूपी यमुना बढ़ रही थी उसको अपने चरणों से शांत भाव से झुका दिया, नत कर दिया। इस प्रकार से आपने देश को मुक्त कराया आतताई शासक से, जो अंग्रेजी साम्राज्य का शासन था उससे देश को मुक्त कराया। तो आशा है कारा थी संस्कृति विगत, भित्ति बहु धर्म जाति गत रूप नाम, बंदी जग जीवन भू विभक्त, विज्ञान मूल जन प्रकृति काम, आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, नानतम जयति सत्यम मा भय जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। कि कवि कहते हैं कारा थी संस्कृति विगत, कि जो पिछली जो संस्कृति थी वो बंधनी थी अर्थात बंधन में थी, जो विदेशी थे सब कुछ विदेशियों की इच्छा अनुसार पहले चलता था,
और भित्ति बहु धर्म जाति गत रूप ना, बहु धर्म और जो विभिन्न जो धर्म थे, ऊंच नीच जाति धर्म जाति ऊंच नीच गोरे काले का जो भेद है रूप नाम, ये अनेक दीवारें खड़ी थी जो हमारी प्रगति में बाधा डाल रही थी। और बंदी जग जीवन और जीवन और ये संसार बंदी था, भू विभक्त संसार क्षेत्रीयता और भाषावाद के आधार पर बटा हुआ था। मूल विज्ञान मूल जन प्रकृति काम, विज्ञान मूल अर्थात विज्ञान की प्रति प्रगति के कारण मूल अर्थात अविवेकहीन मनुष्य, मूल जन अर्थात विवेकहीन मनुष्य, प्रकृति काम प्रकृति को अपनी इच्छानुसार संचालित करने के लिए उद्यत थी। अर्थात जो मनुष्य था वो विज्ञान की प्रगति के कारण विवेकहीन हो चुका था और पूरी प्रकृति को अपनी इच्छा अनुसार संचालित करने का प्रयास कर रहा था। आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, कि आप ऐसे समय में एक मुक्त योगी बनकर आए, एक मुक्त पुरुष बनकर आए, संसार को ये सिखाने की मिथ्या जड़ बंधन की जो संसार रूपी ये जो संसार के बंधन है, मोह रूपी आकर्षण, ये सब झूठे, रिश्ते नाते जो हैं सब झूठे हैं व्यर्थ हैं, सत्य राम कि राम सत्य है अर्थात ईश्वर ही सत्य है, नानतम जयति सत्यम, नानतम असत्य की नहीं जयति सत्यम, सत्य की जीत होती है, माँ भय डरो मत, माँ भय माम अर्थात मत और भय मतलब भयभीत होना कि डरो मत, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, कि ऐसा कहकर ऐसा कहने आप देश को आए तो हे ज्ञान ज्योति, हे ज्ञान रूपी ज्योति आपको मेरा प्रणाम है, ऐसा कवि कहते हैं। तो इस प्रकार से ये कविता समाप्त होती है, आशा है आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इसको लाइक करें, आप अपने कीमती कमेंट जरूर करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें व्हाट्सएप से भी हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर भी पर भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम में भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है। आगे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।